नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हमारे पास में जो हीरो की स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल गाड़ी आई है, इसकी टाइमिंग चेन डालनी है। हम आपको चालू करके दिखाते हैं कि टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है कैसे, हम पता करें कि ये आवाज़ है या नहीं है। ये देखिए, हम आपके सामने पूरा चालू करके दिखाते हैं गाड़ी को। ये देखिए अलग ही साउंड है इस गाड़ी का, और इसकी टाइमिंग चैन वगैरह चली गई है। तो हम इसको चालू करते हैं, कैसे डालना है। सबसे पहले इसका जो हमारा मैग्नेट टाइप साइड में जो कवर है, इसको खोलना है, उसके बाद दिखाते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने जो मैग्नेट कवर है, जो ये देखिए अलग खोल दिया है, और इसका जो 17 नंबर का जो नट है नीचे से, उसको खोल के ऐसा अलग बर्तन में साफ हो गया इसका, ये बोल रहा है बंदा। तो इसको अंदर डालते हैं और निकाल करके हम खोल के दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, हमने इसका जो 14 नंबर का जो नट है, ये देखिए यहाँ से खोल दिया है, और इसके बाद में इसका ऑयल भी निकाल दिया है, और यहाँ से जो मैग्नेट पुलर है, देखिए ये मैग्नेट है जो स्पेशल ओल्ड मॉडल के लिए आता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हीरो होंडा, ओल्ड मॉडल के आता है ये। और इसको लगा करके यहाँ से इसको खोलते हैं, इसके बाद में दिखाते हैं दोस्तों। इसको हमने इसको टाइट करके, ये देखिए हम मैग्नेट को अलग कर रहे हैं। ये देखिए पूरा लाइव दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए पूरी प्रॉब्लम। ये देखिए ये मैग्नेट को अलग कर लिया हमने, और इसके बाद में यहाँ पे जो ये देखिए दो नट दिए हुए हैं, ये देखिए एक यहाँ पे नट है और एक नट नीचे है, जो इसको खोलना है, और इसको खोल के हम दिखाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने इसका जो मैग्नेट वाला है ये अलग कर दिया है इसका, और यहाँ से ये टाइमिंग चेन दिखने लगी है अभी। और इसको यहाँ से जो 10 नंबर का नट लगता है लंबा, यहाँ का जो कैप है इसको खोल दिया है। इसके बाद में यहाँ से एक 10 नंबर का नट खोलना है, यहाँ पे 8 नंबर के दोनों नट हैं, इनको खोलने, इस चक्री को बाहर निकालना है, और यहाँ से टाइमिंग चेन को बाहर निकाल लेना है। आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने यहाँ से खोल करके 8 नंबर के नट, ये इसकी जो आगे वाली जो मैन गिरारी है, और ये बिग रोलर है, और ये छोटा रोलर है, ये बांसुरी रबड़ है, इनको निकाल लिया है। ये टाइमिंग चैन है, ये देखिए इसको हमने निकाल के अलग रख रहे हैं, ये ख़राब हो चुकी थी इसकी। और इसके बाद में ये देखिए, ये पंप की गिरारी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, ये ख़राब है या नहीं है, ये सही है बिल्कुल से। और ये घोड़ा पाती है, इसके ऊपर भी चेक कर लेना चाहिए कि कोई यहाँ से फेस इसका ख़राब हुआ या नहीं हुआ है। इसके बाद में हम इसके अंदर जो रोलन कंपनी की ओरिजिनल टाइमिंग चैन है वो डाल रहे हैं, इसका बिग रोलर वगैरह सब कुछ है, ये देखिए अलग ये डाल रहे हैं। और सबसे पहले इसके अंदर टाइमिंग चैन को अंदर डालना है, या इसके अंदर से, और दिखाते हैं कैसे डालना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम टाइमिंग चैन लगा रहे हैं अभी। टाइमिंग चैन लगाने का सबसे सरल तरीका है कि इसके अंदर से एक तार का टुकड़ा या कुछ रस्सी वगैरह भी डाल सकते हैं आप, इसके अंदर डाल लें, और इसके अंदर टाइमिंग चैन को आसानी से इसके अंदर फंसा लें ऐसे, कि आगे खींचने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ से, और सीधा ही अंदर से ये देखिए सीधा ही अंदर चला जाएगा ये। ये देखिए, और यहाँ से पीछे वाली जो मैन गिरारी है, पंप की गिरारी, और इसके ऊपर से इसको डाल देना है, ये देखिए। और इसके बाद में एक छोटा रोलर होता है, उसको अंदर डालना है, ये देखिए ओरिजिनल कंपनी का बिग रोलर डाल रहे हैं हम। ये देखिए इसके अंदर बिग रोलर भी ख़राब हो चुका था, तो इसको अंदर ये थोड़ा सा डालते वक्त कई बार दिक्कत होती ही है। देखिए हीरो का खुद का ओरिजिनल में है ये, और इसको डालते वक्त अंदर डालना है ऐसे, और कई बार ये दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं बचती है कि अंदर चला जाए, ठोक करके डालना पड़ सकता है कई बार, तो ये घबराने की बात नहीं है, और अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी डाल सकते हैं आप। और आगे से अगर डलता है यहाँ से, तो आगे से भी डाल सकते हैं इसको, ये देखिए इतनी जगह यहीं पे है, बराबर है, और अंदर से ये देखिए अंदर डल चुका है। और इसको बारीक पेचकश की सहायता से ये देखिए, और इसके अंदर लेना है, और इस छेद के अंदर इसको मिला करके, ये देखिए अंदर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बारीक छेद होता है ये देखिए, इसके अंदर जो 10 नंबर का अपना नट होता है यहाँ पे लगाना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो 10 नंबर का नट है, यहाँ पे जो अंदर वाला जो रोलर है बिग, उसके सामने कर लिया, और इसके अंदर आसानी से डाल देना है। और इसके बाद में
जिसको बाद में टाइट कर सकते हैं आप। इसका जो छोटे वाला रोलर है ये देखिए, जो स्मॉल रोलर के नाम से आता है, ये देखिए खुद हीरो का है, ओरिजिनल में है। तो इसको भी अंदर डालना है यहाँ पे। यहाँ पे डालने के बाद में जो हमारा बांसुरी का रबड़ होता है, ये हमने देखिए, ये पहले वाला का फेस हम दिखाते हैं क्यों बदलना पड़ रहा है। ये देखिए पुराना वाला है, इसका फेस ख़राब हो चुका है, और ये देखिए नया वाला है। इसको डालते हैं, डालते वक्त यहाँ पे डालना है इसको, और ये देखिए सावधानी से डालिए। कई बार ये डालते वक्त मिस्त्री के हाथ से छूट करके इंजन के अंदर भी चला जाता है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। ये देखिए, और ये अंदर न चला जाए, अंदर चला जाए तो कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उसका दिक्कत हो आगे जाके चल सकता है, कि क्यों पंप गिरारी चलने से। और इसका जो ये अंदर जो घोड़ापाती है, देखिए ये घोड़ापाती मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस घोड़ापाती का जो फेस है ये भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ये ख़राब है तो इसको बदल देना चाहिए, और नहीं है तो यही रख लेना चाहिए। और इसके बाद ये दिखाते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर टाइमिंग चैन है, बिग रोलर अंदर डाल दिया है, छोटा वाला रोलर भी अंदर डाल दिया है, ये देखिए। और इसका फेस वगैरह भी आपको दिखाया था। इसके बाद में ये अंदर प्लेट को फिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ओ रिंग है, ये अंदर डाल दिया है। इसके अंदर ओ रिंग डालने के बाद इसके अंदर एनाकोंड वगैरह लगा के, और सावधानी से इसको ऐसे लगाना है। ये देखिए टाइमिंग पे कैसे लेना है वो आगे दिखाएंगे हम आपको पूरा है। ये देखिए, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सीधा ठोक देना है। ये देखिए, और ये पैकिंग है, यहाँ पे डाल देना है, और सावधानी से इसको पूरा बैठा के दिखाते हैं। इसके बाद में दोस्तों प्लेट को पूरा बैठा दिया है। ये जो यहाँ के जो नट हैं इसको, ये देखिए स्क्रू के अंदर है, एक नीचे का है, इनको दोनों को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, और टाइट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको प्लेट को अच्छी तरह से फिट कर दिया। इसके बाद मैग्नेट हमारे पास में, इस मैग्नेट को अंदर डालना है। यहाँ पे देखिए एक कट का निशान बना होता है, और यहाँ पे एक गाटर है, ये देखिए ये घूमती है ऐसे, तो इसके साथ में घूमता है, तो इस गाटर के सामने इसको फिट करते हैं सीधा। और इसको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए ये गाटर के अंदर बैठ चुकी है, ये देखिए। और इसके बाद में एक यहाँ पर इसका वाशर है, इस वाशर को अच्छी तरह से साफ करके डालना चाहिए। और इसके बाद में ये 14 नंबर का जो नट आपको पहले दिखाया था मैंने खोल के आपको, और अच्छे कपड़े से साफ करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे मिट्टी डल लगे, और इसको अच्छी तरह से साफ करके यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। और इसको टाइमिंग पे लेते हैं हम साथ में, अगर आप लेना चाहो तो। ये देखिए ऊपर से हम आपको दिखाते हैं निशान, ये देखिए, ये यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ये देखिए ये टी और एफ दिखा हुआ है। यहाँ पे एक कट का निशान है, इसके सामने रखना है इसको, आप बारीकी से देख सकते हैं। और ये एफ होता है फायरिंग ऑर्डर के लिए होता है। यहाँ पे इसके अंदर आग जलती है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे इसके टेपिट मिलते हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे, देखते रहिए। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने जो हमारा जो मैग्नेट है उसको टाइट कर दिया है 14 नंबर के नट से, और इसको टाइमिंग पे ले लिया। ये देखिए ये टी इस कट के सामने निशान जो बना हुआ है इसकी सिद्ध में आना चाहिए। और इसके बाद में हम जो आगे की जो मैन चक्री है, ये देखिए जो रोकर को और हमारे कैमशाफ्ट को खोलने का काम करती है, इसको डालते हैं। इसको डालने से पहले यहाँ पे टाइमिंग पे लेने के बाद में आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये टाइमिंग पे है या नहीं। इसकी जो वाल है हमारा, इनको भी देख लेना चाहिए। साथ में जो पलक है उस साइड से हम आपको दिखाएंगे। दूसरा तरीका भी है कि टाइमिंग पे है या नहीं, इसको बिना खोले भी आप चेक कर सकते हैं। हम उस साइड से जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने उसे टाइमिंग पे ले लिया, जो यहाँ पे पलक है उसको खोल दिया, और पेचकस को अंदर डाल के हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए पेचकस अंदर नहीं जा रहा है, पिस्टन के अंदर यहीं पे टकरा रहा है। इसका मतलब ये ऊपर TDCA के अंदर है, जो बंदे पढ़े लिखे होते हैं, जो ITI बंदे किए होते हैं उनके लिए ये TDCA पे होता है, टॉप पर होता है ये। यहाँ पिस्टन टॉप पर होना चाहिए, ऊपर इसका मतलब है देसी मिस्त्रियों के लिए ये ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद में जो रोकर टाइमिंग वगैरह वो आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो हम आगे वाली चक्री है वो डाल रहे हैं, इसके अंदर एक निशान होता है, जो यहाँ पे जो हमारा इंजन का जो कट निशान दिया होता है, ये देखिए यहाँ पे बारीकी से देखिए, ये देखिए इसके अंदर सामने मिलाया जाता है, और यहाँ पे इस इंजन को इस टाइम पे टाइमिंग पे रखा जाता है। ये देखिए ये कट इसके सामने है, इसको डालते हैं। इसको डालने का सबसे सरल तरीका, हाथ से भी डाल सकते हैं और नॉर्मल तरीका भी है इसको, ये देखिए
अंदर डालते हैं इसके, और ज़्यादातर बंदे टेपिट के सामने ही मिला के सीधा हो जाता है ये। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मिस्त्री घबराते हैं कि टाइमिंग पे कैसे दिया जाता है, बहुत सरल है। जैसे ओल्ड मॉडल है, अब BS6 वगैरह तो और भी सरल आ चुका है इसके अंदर। और घबराने की कोई भी अगर समस्या हो इंजन संबंधित वीडियो की, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस गाड़ी का मैं बना के डाल दूँगा आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे कट का निशान डाल रहे हैं, ये थोड़ा नीचा चला गया, तो एक दांता इसका ऊपर और करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो कट का निशान है वो ये देखिए, कट का निशान यहाँ पे और इसके सामने दोनों बने हुए हैं। ये ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पे TDC पे है पिस्टन, ये भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये टॉप पे है यहीं पे, और यहाँ पे दोबारा दिखाइए, ये इस कट के सामने निशान है और इसको अंदर डाल देना है दोस्तों। इसके बाद में इसके अंदर जो पूरा टाइमिंग पे लेने के बाद में जो 8 नंबर के नट हैं वो यहाँ पे अगले वाली कैम में डाल देने हैं। और ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से 8 नंबर की जो टी होती है हमारी, यहाँ कोई भी औजार हो आपके सामने, ये देखिए 8 नंबर है, इससे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है इसको। ये देखिए, ये पूरा टाइट करने के बाद में और वहाँ से प्लग को फिट करना है, और इस साइड से ये देखिए ये कैप लगाना है यहाँ पे, इसको टाइट कर करके, और इसको दोबारा इसका जो प्लग हमने खोल रखा है आपको दिखाया था, ये देखिए ये प्लग इस साइड में वापस लगा देना है। और इसको टाइमिंग वगैरह पूरा है इसके अंदर, अब दोबारा ऑयल डालना है जो हमने पहले शुरू में निकाला था, और चालू करके हम आपको साउंड दिखाते हैं कैसा होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अब से इसके अंदर टाइमिंग चैन वगैरह डाल दिया है, गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट है, एकदम आइडल स्पीड पर गाड़ी एकदम स्लो मोशन में चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए पूरा बारीकी से, और इसके बाद में हम इसका जो मैन कवर है ये लगाएंगे और गाड़ी को फिट करके ट्राई लेने के लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।